डियर स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों का हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हुआ आज डीएलएड सेकेंड ईयर का नवा प्रश्न पत्र सामाजिक विज्ञान शिक्षण का इकाई दो सामाजिक विज्ञान का स्वरूप एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आज इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। इकाई एक का वीडियो हमारे इस चैनल पर आपको उपलब्ध है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना। तो नवा प्रश्न पत्र है आपका सामाजिक विज्ञान। कुछ बालकों ने विज्ञान भरा है, किसी ने सामाजिक विज्ञान भरा है, दोनों अथवा में हैं। आपने जो भी अपने आवेदन में जो उस समय परीक्षा का फॉर्म भरा था, उस समय यदि किसी ने सामाजिक विज्ञान भरा तो उसके सामाजिक विज्ञान का पेपर आएगा, और जिसने विज्ञान भरा उसके लिए विज्ञान आएगा। नवा प्रश्न पत्र यह आपका लास्ट प्रश्न पत्र है। इसकी इकाई दो सामाजिक विज्ञान का स्वरूप एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अपन पढ़ने जा रहे हैं। जल्दी से अपनी नोटबुक निकाल लीजिएगा, आज इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संकलन इस यूनिट में अपन पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर एक, मार्क्स, वेबर और दुर्खिम के समाज संरचना संबंधी दृष्टिकोण को तुलनात्मक रूप से प्रस्तुत कीजिए। मार्क्स, वेबर और दुर्खिम तीनों ने समाज की संरचना संबंधित अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं, उनका तुलनात्मक रूप से प्रस्तुत करना। तो ये मार्क्स क्या मानते थे? मार्क्स ये मानते थे कि समाज में मनुष्य का प्रधान लक्ष्य भौतिक अवस्थाओं से संचालित होता है। मार्क्स ये मानते थे कि समाज में मनुष्य का जो प्रधान लक्ष्य है वो भौतिक अवस्थाओं से संचालित होता है। आप इस चीज़ को याद कर लें केवल कि मार्क्स मानते थे कि मनुष्य का प्रधान लक्ष्य क्या है, भौतिक अवस्थाओं से संचालित होता है। मार्क्स के लिए क्रांति महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर समाज एक सोपान से दूसरे सोपान पर बदलता है। मार्क्स ये मानता था कि बिना क्रांति के समाज में परिवर्तन नहीं हो सकता। इसी आधार पर उन्होंने भूतकाल के समाजों, वर्तमान के समाज और भविष्य के समाज, वर्गहीन समाज की कल्पना की। यानी कि भूतकाल समाज, पहले वाला समाज, वर्तमान समाज और आगे वाले समाज की कल्पना की। वेबर का दृष्टिकोण विशुद्ध सामाजिक आधार पर केंद्रित था। वेबर का जो दृष्टिकोण था विशुद्ध सामाजिक आधार पर केंद्रित था। वेबर आ गया, वेबर महोदय ने क्या कहा, इनका जो दृष्टिकोण था विशुद्ध सामाजिक आधार, और उनका था प्रधान लक्ष्य मनुष्य का भौतिक अवस्थाओं से संचालित होता है। उनकी, वेबर की मान्यता थी कि सामाजिक प्रक्रियाओं को विविध स्वरूप होते हैं। उन्होंने सामाजिक क्रियाओं पर बल दिया, और यही स्वरूप जब एक दूसरे के अंतर संबंधित होते हैं तो समाज का ढांचा बनाते हैं। जब यही प्रक्रियाएँ, सामाजिक क्रियाओं के विविध रूप होते हैं, जब यही स्वरूप एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं तो फिर क्या करते हैं, समाज का ढांचा बनाते हैं। यानी कि सामाजिक अंतर क्रिया पर, सामाजिक क्रियाओं पर वेबर महोदय ने बल दिया। एक ही बात याद रखना कि वेबर महोदय ने सामाजिक क्रियाओं पर बल दिया। जब सामाजिक क्रियाएं एक दूसरे से अंतर संबंधित होगी तो ये समाज का निर्माण करेगी, समाज का ढांचा बनाएगी। और इन्होंने कहा था कि समाज को सही तरीके से, मनुष्य का जो प्रधान लक्ष्य है भौतिक अवस्थाओं से होता है, इसके लिए क्रांति महत्वपूर्ण है। अब आता है दुर्खिम महोदय। दुर्खिम का दृष्टिकोण था कि समाज में लोग एक निर्धारित आचरण प्रतिमानों के आधार पर व्यवहार करते हैं। दुर्खिम ये मानते थे कि समाज के जो लोग हैं वो एक निर्धारित मॉडल के आधार पर, आचरण के आधार पर व्यवहार करते हैं। उनका विश्वास था कि सामूहिक चेतना समाज के सदस्यों पर दबाव डालती है। जब समाज में सामूहिक रूप से चेतना उत्पन्न होती है, किसी बुराई के प्रति हो सकती है, किसी क्रांति के ऊपर हो सकती है, किसी मुद्दे पर हो सकती है, तो क्या होता है, वो फिर उसमें कुछ सुधार होता है, उसको व्यवहार में लाया जाता है। उनका मानना था एक विशिष्ट प्रकार के आचरण की सामाजिक इच्छा, एक विशिष्ट प्रकार के सामाजिक आचरण की इच्छा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लेना आप, मार्क्स, वेबर और दुर्खिम का समाज संरचना का संबंधित दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर दो, विद्यालय स्तर पर सामाजिक विज्ञान विषय का शिक्षण क्यों आवश्यक है? यानी कि हमें विद्यालय स्तर पर सामाजिक विषय क्यों पढ़ाया जाता है? देखिए, सामाजिक विषय एक ऐसा विषय है जिसमें काफ़ी विषय का समावेश है। अभी अपन ने पहले यूनिट में पढ़ा था कि सामाजिक विषय एक ऐसा विषय है जिसमें मनोविज्ञान भी है, जिसमें भूगोल भी है, जिसमें राजनीतिक शास्त्र भी है, जिसमें दर्शन शास्त्र भी है, इसमें आप इतिहास को भी देख सकते हैं। यानी काफ़ी इसमें नॉलेज आपको मिलेगा सामाजिक में। तो सामाजिक विषय का यदि शिक्षण नहीं हुआ, रीति रिवाज, संस्कृति, धर्म, संप्रदाय कितने प्रकार के, कहां कहां पाए जाते हैं, पृथ्वी का भूगोल कैसा है, भौगोलिक स्वरूप कैसा है,
आंतरिक संरचना कैसी है, भौगोलिक विभाग कैसे कितने प्रकार के हैं, हिमालय प्रदेश किधर है, विश्व में पामीर का पठार कहाँ है, यानी कि आपको यदि वर्ल्ड का सर सब कुछ यूँ समझ लीजिए, काफ़ी कुछ नॉलेज आपको सामाजिक में मिलेगा। तो बालक पर सबसे ज़्यादा प्रभाव सामाजिक परिवेश का, घटना का, समुदाय का, साथियों का पड़ता है। बालक पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ेगा? उसके समुदाय का, उसके सामाजिक परिवेश का, जिसमें वो निवास कर रहा है, वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ का परिवार कैसा है, वहाँ के समुदाय के लोग कैसे हैं, वहाँ उसके साथी कैसे हैं, उन सब का प्रभाव पड़ता है। और ये सब क्या है, सामाजिक में आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए विद्यालय स्तर पर सामाजिक विज्ञान विषय का शिक्षण उसे समाज और समुदाय के प्रति जागरूक बनाने के लिए तथा एक नैतिक सामाजिक आदर्श व्यक्तित्व निर्माण के लिए जरूरी है। यानी कि सामाजिक इसलिए पढ़ना जरूरी है विद्यालय स्तर पर, क्योंकि बालक को समाज का नॉलेज देता है, बालक को समुदाय का नॉलेज देता है, समाज में व्याप्त कुरीतियों के बारे में बताता है कि किस प्रकार से उस समय सती प्रथा चलती थी, जिसका किस प्रकार से राजा राममोहन राय ने विरोध किया। यानी कि हम कह सकते हैं कि उस जो हमारी सामाजिक बुराई थी उसके बारे में नॉलेज देना, हमारे समुदाय को जागरूक करना, हमारे जिस जो बालक उस क्लास में पढ़ रहा है उसको अवेयरनेस पैदा करना कि किस प्रकार से ये युद्ध लड़ा गया था, उसके पीछे क्या कारण था। एक नैतिक सामाजिक आदर्श व्यक्तित्व के लिए ये जरूरी है। कोई भी शिक्षा तब तक अधूरी रहेगी जब तक उसे समाज से नहीं जोड़ा जाएगा। जिस समाज में हम निवास कर रहे हैं उस समाज का नॉलेज होना, उस समाज का व्यवहारिक नॉलेज होना, उस समाज की जितने भी अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करना, यानी कि कोई भी शिक्षा तब तक अधूरी मानी जाएगी जब तक समाज से उसको नहीं जोड़ा जाएगा। राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान आदि सभी विषय समन्वित रूप से समाज के विभिन्न पक्षों के विषय हैं और इन सब विषयों का एक ही विषय है, इन सबको मिलाकर एक विषय बनाया गया है, वो है सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान हमारे को विद्यालय स्तर पर बालक को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। ये प्रश्न आप इम्पोर्टेंट लगा देना, ये प्रश्न आप महत्वपूर्ण प्रश्न लगा देना। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है और ये प्रश्न आने लायक बनता है। अगला आता है क्वेश्चन, समाज के निर्माण का क्रम क्या है? समाज के निर्माण का क्रम क्या है, यानी कि समाज कैसे बनता है? सबसे पहले व्यक्ति, व्यक्तियों को मिलाकर परिवार, परिवारों को मिलाकर समुदाय और समुदाय को मिलाकर के समाज, एक पूरा संपूर्ण समाज, एक सोसाइटी का निर्माण होता है। यानी सबसे पहले व्यक्ति, व्यक्ति के बाद परिवार, परिवार से मतलब कुछ व्यक्ति मिलकर परिवार बनते हैं, कुछ परिवार मिलकर के समुदाय बनते हैं और कुछ समुदाय मिलकर के समाज का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 4, वेबर ने कितने प्रकार की सामाजिक क्रियाओं का जिक्र किया है? वेबर ने कितने प्रकार की सामाजिक क्रियाएँ बताइए? मैक्स वेबर ने समाज की संरचना का मूल सामाजिक क्रिया को माना है। 3 इसमें विद्वान हैं, कार्ल मार्क्स, वेबर और दुर्खिम, इन तीनों में से एक, इन तीनों का एक प्रश्न आना जरूरी है, लाजमी है, क्योंकि ये तीनों ही इसमें हैं। तो इसमें से प्रश्न आया हुआ है तो आप इन तीनों को पक्का याद कर लेना। तो मैक्स वेबर ने समाज की संरचना का मूल सामाजिक क्रिया को माना है। समाज की संरचना का मूल किसको माना है? सामाजिक क्रिया को। अब इन्होंने क्या किया, इतने 3 प्रकार की सामाजिक क्रियाएं बताई। नंबर 1, तर्कसंगत प्रकार की सामाजिक क्रिया। दूसरी सामाजिक क्रिया बताई मूल्यात्मक क्रिया। तीसरी प्रकार की जो सामाजिक जो क्रिया है सामाजिक, वो है भावात्मक क्रिया। और चौथे प्रकार की जो सामाजिक क्रिया बताई है पारंपरिक क्रिया। इन चारों को याद कर लेना, तर्कसंगत प्रकार की सामाजिक क्रिया, मूल्यात्मक क्रिया और भावात्मक क्रिया और पारंपरिक क्रिया, ये 4 प्रकार की क्रियाएं मैक्स वेबर ने बताई। और इन्होंने माना कि समाज की संरचना का मूल सामाजिक क्रिया, और क्रियाएं कौन सी है, ये क्रियाएं, चारों क्रियाओं का वर्णन किया है। ये चारों प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से इस दूसरी यूनिट में इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, आप इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना और अच्छा समझ के फिर क्लास फिर परीक्षा में जाना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह
बताकर बड़ा ही ये हो रहा है कि इसमें हमने सबसे कम प्रश्न लिए हैं और चारों जो प्रश्न लिए हैं ये चारों प्रश्न यूँ मान लीजिए कि इसके इम्पोर्टेंट पूरी यूनिट के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं चारों, और परीक्षा में इनमें से काफ़ी बार आया हुआ है। समाज का विद्यालय के स्तर पर सामाजिक विज्ञान क्यों पढ़ाई जाती है, वेबर ने कितने मैक्स वेबर का इनका सिद्धांत, इन सब के बारे में हमने इसके बारे में इसमें चारों प्रश्नों में सभी प्रश्नों के उत्तर समावेश हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।